सभी दर्शकों का एमटीवी न्यूज में स्वागत है। उद्देश्य है सच दिखाने का। चलते हैं त्यौहार के बारे में। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक साप्ताहिक राशियों के बारे में चलते हैं। 5 अक्टूबर को गणेश चतुर्थी व्रत है। 10 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र के सूर्य लग जाएंगे। तो अब चलते हैं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के साप्ताहिक राशियों के बारे में। मेघ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही कष्टमय बीतने वाला इस सप्ताह। इस सप्ताह खर्चे से बचें, परिवार में अशांति फैलेगी खर्चे से और कुछ बाधाएं उनके स्वास्थ्य में आ सकती हैं। इसके लिए उनके उपाय हैं कि मीठी रोटी गाय को खिलाएं। अब चलते हैं वृक राशि वालों के लिए। वृक राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। रोगों में अधिक खर्च बढ़ेंगे और संभल कर चलने की आपको इस सप्ताह आवश्यकता है। आपको व्यापार की तरफ से लाभ हो सकता है और सामाजिक परिस्थितियों से घिर सकते हैं, इसलिए आप इस सप्ताह बहुत संभल कर चलें। आपका उपाय है कि बच्चों का अनादर ना करें, कोई बच्चे छोटे हों उनका अनादर ना करें। अब चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों को अचानक से कहीं लाभ हो सकता है। इनके शिक्षा में, व्यापार में, ये खेती, यात्रा, इन सभी में इनको लाभ प्राप्त होगा मिथुन राशि वालों के लिए। इनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। इनके लिए थोड़ा सा उपाय है कि तामसी भोजन ना करें जिससे इनको क्रोध सब आवे। चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों को खुद के काम में, नौकरी में रुकावट आ सकती है, लेकिन ये अपनी मेहनत से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यात्रा में इनको कष्ट हो सकता है, माता पिता से सहयोग मिल सकता है। इनके लिए थोड़ा सा उपाय है कि दुर्गा कवच का पाठ करें। अब चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह समान रहेगा, किंतु ये भी जो भी कार्य करने की सोचेंगे वो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। कहीं इनको खेती या व्यापार में अधिक हानि हो सकती है सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वाले के लिए ये उपाय है कि इस सप्ताह बिल्कुल सत्य बोलें, किसी से असत्य झूठ का व्यवहार ना करें। अब चलते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह कोई अशुभ समाचार मिल सकता है जिससे ये परेशान हो सकते हैं। ये बिल्कुल चिंता करने का कोई सप्ताह समय नहीं है, इसलिए आप इस सप्ताह निश्चित रूप से कोई भी अशुभ समाचार आ जाए तो आप उससे साहस और धैर्य से लड़ें और अपने कार्य को बढ़ाएं। इनके लिए उपाय है छोटी कन्याओं का आशीर्वाद अवश्य लें, इनको लाभ उसी प्रकार प्राप्त होगा। अब चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं रहेगा। शत्रुओं से इनको बाधाएं हो सकती हैं, शत्रु के ज़्यादा प्रगण होंगे, भारी होंगे, इसलिए यदि कोई अगर यात्रा या किसी व्यवहारी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज ना लें और किसी को उधार पैसा ना दें। इससे इनको अधिक सावधानी बरतने का ये सप्ताह रहेगा। इनके लिए उपाय है कि गौ को ग्रास रोज दें। अब चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलने का अवसर मिल रहा है। कोई इनके लिए शुभ समाचार आ सकता है जिससे इनके घर में प्रसन्नता हो सकती है, भाई बहनों में प्रेम हो सकता है, परिवार में प्रसन्नता शील हो सकती है और कहीं इनको जमीन जायदाद में अधिक लाभ प्राप्ति हो सकती है, खेती बाड़ी में इनको अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इनके लिए है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अब चलते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों के लिए जानवर से सावधान हो जाए इस सप्ताह। इनके चोट चपेट की संभावना अधिक ज़्यादा है, पैरों में चोट लग सकती है, शरीर में किसी जगह है जोखिम हो सकता है। इस सप्ताह ऐसा कोई कार्य न करें जो लोहा से या जानवर से या पशुओं से इनको अधिक खतरा है। इस सप्ताह इनके लिए उपाय है कि तीर्थ यात्रा के लिए दूसरों को भी मदद करें।
अब चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए चारों तरफ से तकलीफें इनको आएंगी। जो भी कार्य करने की सोचेंगे वो कार्य इनका नहीं पूरा होगा। इनको किसी दूसरे से बहुत तगड़ा धक्का मिल सकता है, किसी दूसरे से अपमान हो सकता है या रिश्तेदारों से अपमान हो सकता है। इसलिए ये अपने इस सप्ताह को अपने घर में रहकर ही व्यतीत करें और सामान्यतया किसी से वाद विवाद न करें। इनके लिए उपाय है कि मजदूरों को भोजन कराएं। अब चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए है कि पुराने मित्र से लाभ हो सकता है। यदि उनका कहीं धन फंसा हुआ है तो उनको वापस मिल जाएगा, यदि उन्होंने कर्ज दिया है तो उनका कर्ज भी मिल जाएगा, और भी कई चीज़ें हैं जो इनके लिए लाभदायक हो सकती है। जैसे नौकरी में इनका अगर कोई फार्म डाला है तो इनको अधिक उन्नति प्राप्ति मिल सकती है। पेपर में एग्जाम में ये उन्नति पास हो सकते हैं। इसलिए इनके लिए कुछ उपाय है कि भैरव मंदिर में जाकर के कड़ू तेल का दान करें। अब चलते हैं मीन राशि के। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। इनके लिए खेती बाड़ी में नुकसान थोड़ा हो सकता है, लेकिन इनके व्यापार से, शिक्षा से, यात्रा से, घर के रहन सहन से, माता पिता और भाई बहनों से प्रसन्नता से, सब कुछ इनको इस सप्ताह प्राप्त होगा। इनका मन भी लगेगा और घर में कोई हवन या पूजा होने का भी योग हो रहा है, जिससे इनके घर में खुशहाली छाई रहेगी। इनके लिए थोड़ा सा उपाय है कि धर्म स्थान की सफाई जरूर करें। यदि कहीं धर्म स्थल है वहाँ जाकर के वहाँ की सफाई करें। जय सीताराम।